दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है और आपसे केवाईसी मांगा जा रहा है, कोई भी कारणवश अगर आपसे बैंक वाले केवाईसी मांग रहे हैं, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, तो आपको केवाईसी कैसे करना है आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, पूरा मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मैंने चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का ये फॉर्म है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डाटा अपडेशन फॉर्म फॉर अंडर केवाईसी कंप्लेंट। तो ये वाला जो फॉर्म है आपको बैंक में इजीली मिल जाएगा। अगर आपको बैंक में नहीं है तो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको कैसे फिलअप करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे ऊपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद यहां पे फादर्स नेम हस्बैंड नेम यहां पे लिख देना है। उसके बाद कस्टमर आईडी आपको कहां मिलेगा, जो बैंक का पासबुक होता है उस पासबुक में आपका जो जहां पे सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, अकाउंट नंबर, आपका नाम वगैरह सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, उसमें आपको कस्टमर आईडी दिख जाएगा। वहां से आप यहां पे कस्टमर आईडी लिख देंगे। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर पूरा लिखना है। मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है कुछ यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से। आपको अपना अकाउंट नंबर पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे मेलिंग एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है कि आपके अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ आपके घर पे भेजना हो तो एड्रेस आपको आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना मेलिंग एड्रेस दे देना है, जो भी आपका परमानेंट या करस्पोंडेंस एड्रेस हो गया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप शहर से होंगे तो आपको अपना जो फ्लैट नंबर वगैरह होता है वो लिख देंगे, अगर गाँव से होंगे तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे सिटी हो गया, उसके बाद पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे पैन नंबर आपको दे देना है, जो भी आपका पैन नंबर होगा यहाँ पे पूरा लिख देंगे। मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैन नंबर नहीं हो तो फॉर्म 61 करके एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। अब आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में आपको इंडिविजुअल रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आपका जो भी व्यवसाय होगा, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपको इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप प्रूफ क्या दे रहे हैं, जैसे केवाईसी में आपका दो प्रूफ आपसे मांगा जाता है, एक आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद मेजर ऑफ इनकम, अगर आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह डालते हैं तो इसमें आपको आगे का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होगा, जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस हो गया। उसके बाद आपको एनुअल इनकम आपको बताना होगा, अगर यहाँ पे कुछ सैलरी वगैरह आप लिखते हैं, सैलरी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम आपको बताना होगा कि कितना है। आप नहीं भी बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, इसको भी आपको स्किप करना है। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको अकाउंट नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो ऊपर में अकाउंट नंबर आपने दिया था सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपका देना है, जो आपका लास्ट 6 मंथ का फोटो होगा यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे सिग्नेचर विल बी सील्ड बाय द ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच के द्वारा ये काम है, ब्रांच का काम है यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो केवाईसी का फॉर्म है मैंने यहाँ पे पूरा फिलअप कर दिया, कंप्लीट हो गया। बस आपको सेम टू सेम इसी तरह से आपको फिलअप करना है। अब इसमें आगे का बात आता है कि इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। अब मैंने शुरुआत में मैंने यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड दिया है। तो ये दोनों का जीरोक्स और उस पर सिग्नेचर करके इसके साथ अटैच करेंगे। साथ ही साथ जो मेरा बैंक का जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज का जो जीरोक्स है उसको भी इसके साथ अटैच करेंगे। कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं कहीं नहीं भी मांगते हैं, तो वो इसमें अटैच कर लेंगे। इतना चीज करने के बाद आपको सीधा आपको काउंटर पर जाकर जमा कर देना है। जमा करने के बाद जो केवाईसी का जो कंप्लीट होने का प्रोसेस है, 24 से 48 घंटे के बीच में जो आपका केवाईसी है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आपका बैंक से जो भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह सारा आप चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आऊँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि आपको इस चैनल पर बैंक से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड और भी जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं इसमें वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।